बुद्धम शरणम गच्छामी, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाबोधि मंदिर में। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बिहार के महाबोधि मंदिर से। कुछ देर पहले महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। यहाँ पर कई देशों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। 20 मिनट का उनका भाषण आज रहने वाला है और इस यात्रा के तहत राजनीतिक सरगर्मियां भी देखी गई। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की गैर राजनीतिक यात्राओं के लिए या इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं एयरपोर्ट पर जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने एक मंत्री को यहां पर भेजा और इस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं है। यानी वो चुनाव के वक्त पर बिहार में होने वाले ऐसे किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं महाबोधि मंदिर से, गया का महाबोधि मंदिर और ये महाबोधि वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को यहीं बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तयशुदा कार्यक्रम के तहत पहले प्रधानमंत्री मोदी महाबोधि मंदिर के भीतर विशेष पूजा अर्चना के लिए गए, जिसके खास इंतजाम किए गए थे। नक्सलवादियों का बंद देखते हुए और धमकियां देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान में भी निगरानी रखने के लिए खास इंतजाम किए गए। ये आप देख रहे हैं बोधि वृक्ष। और जैसा हमने कुछ देर पहले देखा प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान की मुद्रा में, और वो इसे अपने निजी जीवन का हिस्सा भी बताते हैं। साध्वी प्रतिष्ठा इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही हैं, जो बुद्ध की ध्यान प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे किस तरह का ध्यान है और किस तरह से निर्विचारता को प्राप्त करने के लिए बुद्ध बताते हैं, या किस ध्यान में प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। जी जी, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बुद्ध जो है वो जन्म नहीं लेते हैं, जन्म तो सिद्धार्थ लेते हैं, बुद्ध तो बन जाते हैं। और बुद्ध तब बनते हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं ध्यान के माध्यम से। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को जाता, जहाँ तक की मोदी जी की बात है तो मुझे लगता है कि वो तो एक जीते जागते योगी हैं, जो तन पर मन से किसी भी रूप में योग की साधना का जो अवसर है उसको मिस नहीं करते, उस अपॉर्चुनिटी को। तो उन्होंने वहां पर उसी स्थल पर बैठ करके जो ध्यान का अभ्यास किया, क्योंकि ध्यान एक ऐसी योग की प्रक्रिया है जो हमें हमारे शरीर को तो एलिवेट करता है, हमारी आत्मा को भी एलिवेट कर सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ध्यान के विषय में कहा जाता है, हम शरीर के विश्राम का तो विशेष ध्यान रखते हैं, हम सोते हैं, शरीर को आराम देते हैं, लेकिन क्या हम मन को विश्राम दे पाते हैं, मन को आराम दे पाते हैं? और मन को आराम देने की यही विधि कहलाती है ध्यान। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी अपने कई भाषणों में कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का अपना जीवन स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत प्रेरित है, बुद्ध के जीवन से बहुत प्रेरित है, और इन दोनों के जीवन में ध्यान का विशेष महत्व था। इन्होंने ध्यान को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बताया, यानी निर्विचारता की अवस्था में जाना, यानी सिर्फ शरीर के आराम का ध्यान, शरीर के विश्राम का ध्यान न रखते हुए मन के विश्राम का, मस्तिष्क के विश्राम का भी ध्यान रखना। और आप ये देख रहे हैं ध्यान मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी महाबोधि वृक्ष के नीचे। कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे गौतम ने समाधि लगाई, गौतम ने ध्यान किया और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। आप गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी देख सकते हैं और 100 प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर मौजूद हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों को कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। यहां हिंदू बौद्ध कॉन्क्लेव का तीसरा और आखिरी दिन है गया बोधगया में, और बौद्ध प्रतिनिधि मंडलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष कार्यक्रम
यहाँ पर रखा। उन्होंने पहले बोधगया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद, क्योंकि वे स्वयं ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्होंने कुछ देर के लिए महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। जैसा अभी साध्वी प्रतिष्ठा बता रही थी, ध्यान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध की शिक्षा के विषय में भी जैसा कहा जाता है कि सब सिद्धार्थ के रूप में पैदा होते हैं, गौतम के रूप में पैदा होते हैं और बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है और ये हर कोई प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आवश्यक है ध्यान और ध्यान के साथ समाधि या कैवल्यपाद, जैसा पतंजलि कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक जीवन में अपने भाषणों के दौरान कई बार आध्यात्म के महत्व और उनके निजी जीवन में उन पर पड़े स्वामी विवेकानंद और बुद्ध के असर के बारे में कहते रहे हैं। और हमारे साथ साधिका सोनिया दीदी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे बुद्ध की ध्यान प्रक्रिया और कैसे गौतम पैदा होते हैं और बुद्ध बनते हैं। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं दीदी? हाँ बोलिए जी। हम जानना चाहेंगे ध्यान की क्या विधियां हैं और कैसे, अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांत चित्त देख रहे थे, तो बहुत से लोग जो ध्यान की प्रक्रिया नहीं जानते वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त कर क्या रहे हैं। देखिए, ध्यान की हमारे शास्त्रों में अनेक प्रक्रियाएं बताई गई है, जिसमें सबसे सहज और सरल प्रक्रिया ये होती है कि आप शांत चित्त बैठ जाएं, जिसमें आपका जो मेरु हो वो सीधा हो, पीठ जो आप होती है पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए और आपका जो ध्यान है आंखें बंद करके अपने श्वास पर अगर आप केंद्रित कर देते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो हलचल वाली ऊर्जाएं शांत होने लगती हैं और उसके बाद में आप एक अलग अनुभूति एक दूसरी ऊर्जा में जाने लगते हैं जो कि हमारी पृथ्वी की वाइब्रेशन जो डेली रूटीन की वाइब्रेशन है उससे लिटिल हायर होती है और आप उन स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्शन में आने लगते हैं जो वातावरण में सब जगह मौजूद है, जिसे हम साधारण रूप से प्राणिक शक्ति कहते हैं। तो जब हम उस प्राणिक शक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर की जो प्राण शक्ति है, हमारे भीतर की ऑक्सीजन है वो बढ़ती है, इससे हमारे चित्त में शांति महसूस होती है, हमें शांति का एहसास होता है और धीरे 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 जब ये आपका जो साधना है बढ़ जाती है तो उसके बाद उसमें अलग अलग अनुभूतियां होती हैं जो कि शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत निजी अनुभव की बात है, क्योंकि ईश्वर का और एक व्यक्ति का संबंध बहुत निजी होता है, इसको शब्दों में पिरोया जाना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार के जिसे मीठे का स्वाद ना पता हो और उसे आप समझाएं कि मीठा कैसे होता है, कुछ उस तरह से। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन है तो कष्ट है और कष्ट है तो उसकी अत्यंत निवृत्ति भी संभव है, ध्यान से ये कैसे संभव है और इसको लोग क्यों नहीं समझ पाते, क्यों कष्टों में रहते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें इसकी गहराई को समझना होगा कि कोई भी, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो या कोई भी शास्त्रीय, उसका एक नींव है, एक आधार है, उस आधार को यदि हम समझ जाएंगे तो उसके बाद में ये बिल्कुल सहज हो जाएगा हर व्यक्ति के लिए कि क्या इसका महत्व है और वो जो उथल पुथल आज की जिंदगी में वहां पहुंच रही है वो काफी हद तक शांत हो जाएगी और उससे हमारे देश में क्या बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा माहौल होगा। इनफैक्ट मेरा तो ये तक मानना है कि यदि हमारी पृथ्वी पर शांति होती तो पृथ्वी की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जा रही है, जैसे अब हम मार्स पे जाते हैं, हम मून पे जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे यहाँ की वाइब्रेशन का कुछ आंशिक असर होता है, तो यहाँ जितनी शांति होगी, यहाँ जितनी अच्छाई होगी, उसका वाइब्रेशन हमारा सिर्फ पृथ्वी तक ही न रहकर या व्यक्ति विशेष या समाज को ही न रहकर ब्रह्मांड तक जा रहा है और वही फिर हमारे पास बाउंस बैक होकर आता है, तो जो हम देते हैं वही हमें प्रकृति अधिक। ये एक बड़ी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन या किसी भी अन्य जीवन के साथ में आध्यात्मिक जीवन को चलाना कितना संभव होता है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न उठता है कि राजनेता जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले अलग होते हैं और हम जब प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान करते हुए देख रहे हैं या ध्यान का प्रचार करते हुए देख रहे हैं तो कैसे इस बात को समझें? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आज जन्माष्टमी है, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और जो आपका प्रश्न है इसका जवाब भगवान कृष्ण के पास से हमें मिलता है।
कृष्ण भगवान को यदि आप देखें तो वे राजनीति से भी जुड़े रहे, वे धर्म से भी जुड़े रहे, हर प्रकार से वो जो है समाज को उन्होंने समाज ये बड़ा सुंदर उदाहरण है कि गीता जिनके श्रीमुख से निकली वो खुद राजनीति से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक राजनीतिक चेहरा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।